सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों, अगर आप लोग मोबाइल कैमरे से फोटो लेते हो और आपका मोबाइल कैमरा छोटा है, जिससे आप अगर किसी फोटो को खींचते हो तो वो फोटो फट जाती है, जिससे आप उस फोटो को जूम करते हो तो उस फोटो के पिक्सल्स फट जाते हैं, तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। क्योंकि दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन से फोटो खींचोगे, जिससे आप अगर उस फोटो को जूम करो तो वहाँ पर उस फोटो के पिक्सल फटेंगे नहीं और आपको वो फोटो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में नज़र आएगा, चाहे आप फोटो को कितना भी जूम क्यों ना कर लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। जिस ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उस ऐप से अगर आप फोटो खींचोगे तो देखने वाले भी वो दोस्त आपका हैरान हो जाएगा, तो कैसे आपने इस फोटो को लिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन मिलेगा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इससे पहले आप एक छोटा सा कमेंट जरूर टाइप कर देना। आप यहाँ पर टाइप कर देना मोबाइल कैमरा, बस आप एक छोटा सा कमेंट टाइप कर दीजिए, फिर आप इस कमेंट को सेंड कर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी। ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पर जाकर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको उस ऐप से एक फोटो खींच कर दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको वो फोटो इतनी अच्छी क्वालिटी में आएगा। तो यहाँ पर मेरा वो कैमरा ओपन हो चुका है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से आप फोकस कीजिए कि आपको किस टाइप से फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरा कैमरा ओपन हो चुका है, यहाँ पर मैं एक फ्लावर है इसके मैं फोटो आपको खींच कर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इस फोटो को जूम करके दिखाऊंगा। तो बीच में ऑप्शन आपको मिल जाएगा फोटो क्लिक करने का, तो यहाँ से आप एडजस्ट कीजिए कि आप अपने उस प्रोजेक्ट पर फोकस डालें। तो यहाँ से मैंने कुछ पिक्चर ली हैं, यहाँ पर मैं और एक पिक्चर ले लेता हूँ, फिर मैं आपको इन पिक्चर को जूम करके दिखाऊंगा। अगर आप पीछे का बैकग्राउंड चेक करोगे तो यहाँ से आप अपने उस बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ब्लर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर चले ये मैंने कुछ फोटो ली है, अब मैं आपको इन फोटो के पिक्सल दिखाता हूँ। इन फोटो को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपकी ये फोटो आपको दिखेगी। अगर आपने इस फोटो किसी भी दोस्त को दिखाई अपने, तो वो दोस्त आपका देखने वाला हैरान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस फोटो को दोबारा ओपन किया, अब यहाँ पर चले मैं इन फोटो को जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चले मैं अपने फोन को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये आपको पिक्चर क्वालिटी फुल स्क्रीन पर नजर आए। तो यहाँ से मैंने इसको रोटेट किया, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखना। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि मैं जूम करता हूँ, अब आप पीछे का बैकग्राउंड देखना या आप अपने इस फूल को देखना कितनी अच्छी क्वालिटी में ये फ्लावर आपको दिख रहा है। साइड से अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी अच्छी साइडिंग यहाँ पर आई है, जो आपका फोटो होगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आएगा और जितना आप जूम करोगे आपको फोटो यहाँ पर फटेगा नहीं। यहाँ पर जो पिक्सल हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको नजर आएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जूम किया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाते हैं। तो इस ऐप से आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फोटो लिए हैं, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर हो चुका है और आप शेडो अगर देखो यहाँ पर आपको शेडो बिल्कुल साफ क्लियर नजर आएंगी। देखिए बैकग्राउंड आप देखिए और इस फूल के शेडो को चेक कीजिए, काफ़ी अच्छी शेडो है दोस्तों, मतलब कमाल हो गए इस ऐप से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा पिक्चर आया है। तो प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड जरूर करना, ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और ये ऐप आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आप किसी फोटो को इस ऐप से द्वारा खींचोगे तो यहाँ पर आपका वो फोटो फटेगा नहीं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको फोटो देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलता हूँ एक।